अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज एक नई वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पे और आज हम स्माइलीज बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी सलाम कर लूं पहले। हाँ, स्माइली के लिए देखे मैंने ना हनिया, देखो मैंने अब क्या किया। जल्दी से आज हम सिर्फ रेसिपी शेयर करेंगे, बातें नहीं करेंगे। हाँ। तो बातें नहीं आप करेंगे तो सिर्फ अब हम इसकी करेंगे, आपको रेसिपी बताएंगे, ठीक है? ये देखो मैंने इसको आलू लिए हैं, मैंने 4-5 आलू थे, थोड़े बड़े ही साइज के थे, मैंने उनको बॉयल करके उसको मैश कर लिया। और देखे मैंने इसके अंदर डाला है ब्रेड क्रम्स डाले हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो कॉर्नफ्लावर डाला है। वैसे 2 टेबल स्पून थी हानिया, 2 टेबल स्पून थी ना कॉर्नफ्लावर, और साथ मैंने 2 टेबल स्पून ही डाल दिया मैंने उसके अंदर ब्रेड क्रम्स, और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है इसके अंदर, और हल्का सा इसमें थोड़ी सी मिर्चें डालें, बेशक काली मिर्चें डालनी है तो काली डालें, लेकिन मैंने रेड डाल ली थी। मैंने कहा था चलें थोड़ा कोई टेस्ट बन जाएगा इसका अच्छा ना, तो इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह फिर मैंने गूंथ दिया। देखो वैसे मेरा दिल था कि आप बनाती, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चीज़ें ज़ाया करो, तो चले हानिया से कर लेते हैं। बताइए मैंने क्या कुछ डाला है? नहीं मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है इसके अंदर, और 2 थोड़ा सा और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले हैं। देखो नमक डाला है और सुरख मिर्चें डाल दी हैं, और इसको मैंने देखे गूंद लिया आटे की तरह, बड़ा मजे का ये बन गया था। और इसको मैंने जी, फॉयल लगा के मजे की, ये बहुत मजे की बनती है, बच्चों को तो बहुत ही मजे। हाँ वैसे भी मिल जाती है बनी बनाई भी, लेकिन घर में उस दिन बहुत मजा आया था, एंजॉय किया था ना। जैसे हमने उसको देखो मैंने काफी देर पहले की जो हमने ब्राउनीज बनाई थी, अभी तक दिल छा रहा है, मम्मा चलो फिर बना के दूंगी। हाँ अब मैंने इसको फ्रिज में रखा था थोड़ी देर, ताकि वो ना घंटा पड़ा रहा था उसी के अंदर फ्रिज में, फिर मैंने उसको रोल सा बना के, देखो इसको रोटी की तरह बेल लिया मैंने। अच्छा हाँ, ये अब इस वीक के लिए हमारी आखिरी वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को अपलोड करें, क्योंकि मंडे को हमारे गेस्ट चले जाएंगे। हाँ। और फ्राइडे को आएंगे, इसीलिए हम अब आज डालेंगे। हाँ, देखेंगे अगर टाइम मिला तो उनके होते कल थर्सडे वो देखें। फिर मैंने आप देखो क्या किया। हाँ नहीं, मैंने स्ट्रॉ लिया, वो इसकी तो आंखें छोटी हैं, ये तो कोई चाइनीज सा बन गया। ये तो चाइनीज स्माइली बन गया, देखो इसकी आंखें थोड़ी छोटी हैं ना जी। हाँ मुझे बाद में स्ट्रॉ मिल गया था तो मैंने बड़ी बना ली, वो इसकी तो छोटी छोटी सी आंखें, चुनना ये तो। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रॉ। और देखो मैंने फिर इसको चम्मच से उसका मुंह बना लिया था, चम्मच लेके ना जी, चम्मच उसको स्माइली बना, बहुत अच्छा आइडिया था। हाँ ये अच्छा आइडिया था, गोल सा मैंने कटर से काट लिया उसको। आपने बहुत ज्यादा ना पतले नहीं काटने, थोड़े से ना मोटे रखे इसको ना, मैंने शुरू में मुझसे लग रहा था पतले पतले हैं, तो फिर मैंने इसको बाद में ना मोटा करके, तो देखे फिर बाद में मुझे दूसरा मोटा स्ट्रॉ मिल गया, फिर मैंने इनकी आंखें बड़ी बड़ी कर दी। हाँ स्माइली खुश होगी, फिर देखो स्माइली दे रही है वो, देखो पहले मैंने छोटा स्ट्रॉ। हाँ एक भी है देखो बड़ा मुझे मिल गया था ना स्ट्रॉ, ये मिल्क शेक वाला था पड़ा हुआ, व्हाइट कलर का था, ये ट्रांसपेरेंट था ना, तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पड़ा हुआ है, फिर मुझे मिला है। तो उसको फिर मैंने आप ऑयल गर्म किया, इसको बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो ऑयल, अच्छा, नॉर्मल से ऑयल में ना। आप लोग इसके अंदर अपनी स्माइलीज डालें, खुश या सैड भी आप लोग बना सकते हैं। हाँ सैड भी बना सकते हैं कि स्माइली को फ्राई जी, अगर उल्टी चम्मच रखो ना नहीं बनाई। हाँ सैड भी हो सकते हैं, उल्टी अगर चम्मच रखो तो वो सैड हो जाता। चलो किसी दिन सैड बनाएंगे, सैड स्माइली, ये हैप्पी स्माइली, ये हैप्पी स्माइली है, ये हैप्पी स्माइली है, और वो सैड स्माइली बनाएंगे। चलो किसी दिन यूं करके उल्टा से जो स्माइली हुई, देखें आप कितनी, ये देखो हमने इनको फ्राई किया और वो खुश हो रही हैं, हमने उनको फ्राई किया और वो खुश हो रही हैं, देखो हमने उनको फ्राई किए, ओयो ये देखो जी। बजाय इसके कि वो सैड हो, वो और खुश हो रही है, जंपिंग लगा रही ये देखो। साथ में और भी कुछ बना रही थी, तो फिर ये भी मैंने कहा चले आप लोग के साथ शेयर करते हैं बच्चों एक की ऐसी चीज है जो जलते हुए भी खुश होती है। हाँ देखो कैसी चीज, इस तरह होना चाहिए ना, जलते हुए भी खुश। ये देखो प्यारा सा कलर इसका लेके, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट ना निकाले इसको ना। हाँ देखिए इसको अच्छा सा कलर आया, तो इसको हमने डाल लिया इसको फ्राई करके। अब मैंने एक इसमें वो छन्नी सी ली है, उसके अंदर सारा इसको एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, और फिर अब हम इसको देखें फैला के थोड़ी देर रखें। इतने ये मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया, और इसको किसी भी सॉस के साथ, हाँ सॉस मैं इसके साथ बताती हूँ कौन सी अच्छी लगेगी। आप मायोनीज लें, मेयोनीज जो होती है यहाँ पे मायोनीज कहते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी केचप मिक्स करें और वो मजे की डिप बन जाती है। खाली केचप भी कह सकते हैं। हाँ खाली केचप, बच्चे वैसे खाली केचप ही, लेकिन मुझे वो डिप अच्छी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ओए ओए खुश 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 खुश। अच्छा जी, वो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। ये थी मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब कर दें, आप सब्सक्राइब, आप लोग हमारे चैनल को और कमेंट्स भी देने के, आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।